सीता माता शीतला माता की हम बात कर रहे हैं। शीतला माता का मंदिर है सबसे पहले। इनका मंदिर जो बनाया हुआ है ये शील डूंगरी या शीतला डूंगरी के नाम से जाना जाता है, चाकसू जयपुर के अंदर है इनका मंदिर है। वो कहां पर स्थित है? शील डूंगरी या शीतला डूंगरी भी कहा जाता है। शीतला डूंगरी चाकसू, और चाकसू किस जिले में है? तो जयपुर में। जयपुर में इसका मंदिर है। किसका? शीतला माता का जयपुर में मंदिर है, चाकसू जयपुर में। के मंदिर में खंडित प्रतिमा है। इनके मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है वो क्या है? खंडित है। खंडित प्रतिमा इनका जो मंदिर है, इन मंदिर के अंदर जो खंडित प्रतिमा है उसकी पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी प्रतिमा है वो क्या है? खंडित है। बाकी लोक देवियों की प्रतिमा है वो खंडित नहीं है। ये एक ऐसी मात्र लोक देवी है जिनकी प्रतिमा है वो क्या है? खंडित। अगला, इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं, इनके पुजारी हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। कुम्हार जाति के होते हैं। कुमार जाति के जो होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं, वो हमेशा कुमार जाति के होते हैं। शीतला माता का वाहन है शीतला माता का वाहन है वो है गधा। शीतला माता का वाहन है वो क्या है? गधा। हकीकत है ही ठीक है। तो ऐसी लोक देवी जिसका वाहन गधा है वो कौन सी है? शीतला माता। इनकी प्रतिमा के जो प्रतिमा है खंडित प्रतिमा, गधे पर सवार प्रतिमा है शीतला माता। ठीक है। इनका मेला, मेला जो भरता है ये शीतलाष्टमी के दिन भरता है। शीतलाष्टमी या कृष्णाष्टमी के दिन इनके मेले का आयोजन होता है। शीतलाष्टमी कृष्णाष्टमी के दिन बनता है। इनका मेला हमेशा कृष्णाष्टमी के दिन बनता है। अब देखिए, किसी को अगर चेचक रोग हो जाता है तो उस समय शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है तो वो चेचक रोग खत्म हो जाता है। ठीक है। चेचक रोग जिसको हो जाता है उस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है तो वो चेचक रोग खत्म हो जाता है। इसीलिए इनको चेचक वाली देवी कहा जाता है। कौन सी देवी? चेचक वाली देवी। हाँ। और जब लोक देवी नाराज हो जाती है ये शीतला माता, तो उस समय चेचक बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से फैलता है। बच्चों के अंदर अक्सर ये होता है, एक रोग होता है। ठीक है। हाँ, बच्चों के अंदर एक रोग होता है जिसे चेचक के रूप में जाना जाता है, शरीर के ऊपर रोग होता है। तो कहा जाता है कि जब ये रोग देवी नाराज हो जाती है तो चेचक का प्रकोप आ जाता है।
चेचक का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, चेचक रोग ज्यादा फैलता है, इसीलिए इनको चेचक वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कि चेचक वाली देवी कौन सी है? तो चेचक वाली देवी है वो है शीतला, ठीक है। चेचक वाली देवी के रूप में शीतला माता को जाना जाता है। चेचक वाली देवी के रूप में किसको जाना जाता है? शीतला माता को जाना जाता है। अगला है बच्चों की संरक्षिका, क्योंकि ये चेचक रोग कहाँ होता है? बच्चों के अंदर ही होता है, इसलिए इस रोग की रक्षा है तो इनकी पूजा की जाती है, इसीलिए इस लोक देवी को बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। कौन सी लोक देवी को बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है? शीतला माता। बच्चों की संरक्षिका शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता को क्या कहा जाता है? बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। तो देखिए शीतला माता का मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, कौन सी डूंगरी पर है? सबसे पहला क्वेश्चन यही से उठेगा कि इनका मंदिर कहां पर है, तो शील डूंगरी या शीतला डूंगरी, ये कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में खंडित प्रतिमा लगाई गई है, इनकी जो मूर्ति है वो खंडित टूटी हुई है। इनके पुजारी हमेशा कुम्हार जाति के होते हैं, कौन सी जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता का वाहन है वो क्या है? गदा है। और इनका मेला है वो शीतला अष्टमी या कृष्ण अष्टमी के दिन भरता है, जिसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। चेचक रोग की रक्षक होने की वजह से इन्हें चेचक वाली देवी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बच्चों की संरक्षिका यानी ये चेचक रोग बच्चों में ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है ताकि चेचक रोग नहीं हो, उस बच्चों की संरक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका शीतला माता को कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका वाली देवी कौन सी है? तो शीतला माता है। ओके, तो शीतला माता को और क्या कहा जाता है? इन्हें माता मावड़ी भी कहा जाता है। माता मावड़ी भी कहा जाता है। किस लोक देवी को माता मावड़ी के नाम से जाना जाता है? तो शीतला माता को जाना जाता है। अगला, शीतला माता को महामाई माता भी कहा जाता है। महामाई माता क्या कहा जाता है? महामाई माता भी कहा जाता है। इसके अलावा सैंडल माता, सैंडल माता भी कहा जाता है। अब देखिए शीतला माता के मेले में मेला, शीतला माता का मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी में शामिल होने वाले लोग बासुड़ा भोजन करते हैं। बासुड़ा या बासी भोजन शामिल होने वाले लोग
बासीवड़ा या बासी भोजन करते हैं। और जो भोग लगाया जाता है वो भी ठंडा लगाया जाता है। बासी भोजन करते हैं। आगे देखिए, ये तो हो गई कि माता मावड़ी भी इन्हें कहा जाता है, महामाई माता भी कहा जाता है, सैंडल माता भी कहा जाता है, और शीतला माता के मेले में जो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बरता है उस दिन लोग बासोड़ा या बासी भोजन करते हैं। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शीतला माता के मंदिर का निर्माण शीतला माता के मंदिर का निर्माण स्वयं माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता के मंदिर का निर्माण स्वयं माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये हमारे शीतला माता थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? सील या शीतला डूंगरी, जो कहां पर है? चाकसू। चाकसू कहां है? जयपुर। वहां पर इनका मंदिर स्थित है। शीतला माता के मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो क्या है? खंडित है। एक ऐसी लोक देवी जिसकी प्रतिमा है वो क्या है? खंडित है। ठीक है, खंडित प्रतिमा लगेगी। इनका जो वाहन है वो क्या है? इनका वाहन है वो गधा है। अब इस देवी को चेचक वाली देवी भी कहा जाता है, बच्चों की सरक्षिका भी कहा जाता है, इसके अलावा इन्हें माता मावड़ी भी कहा जाता है, महामाई माता भी कहा जाता है, सैंडल माता भी कहा जाता है, और शीतला माता का मेला ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन भरता है। उस दिन लोग कैसा भोजन करते हैं? बासोड़ा या बासी भोजन करते हैं। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वयं माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा शीतला माता के जो परंपरागत पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? कुमार जाति के होते हैं। और कहा जाता है कि शीतला माता के नाराज हो जाने पर चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है। शीतला माता के नाराज होने पर शीतला माता के नाराज हो जाने पर चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है। चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है। किसके नाराज होने पर चेचक का प्रकोप बढ़ता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी लोक देवी के नाराज होने पर चेचक रोग बढ़ जाता है? शीतला माता के नाराज होने पर चेचक का रोग बढ़ जाता है, या चेचक का रोग होने पर किस देवी की पूजा की जाती है? तो शीतला माता की पूजा की जाती है। चेचक वाली देवी कौन सी है? तो शीतला माता है। बच्चों की सरक्षिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि चेचक रोग अक्सर बच्चों के अंदर होता है, इसीलिए इसको बच्चों की सरक्षिका के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें माता मावड़ी, महामाई और सैंडल माता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था हमारे लोक देवी शीतला माता के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।